फ्रेंड एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ही इजी होता है दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, ज्यादा नहीं दोस्तों, अगर आप 10 से 20 दिन या 30 दिन तक स्टडी करोगे तो मेरे ख्याल से इसको क्रैक करना, इसको क्लियर करना बहुत ही इजी है दोस्तों। और भी अगर आपके पास नॉलेज थोड़ा भी है तो बहुत जल्दी आप 10 से 12 दिन के अंदर आप क्लियर कर सकते हैं, 1 वीक के अंदर भी आप क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं कुछ दिन पहले एग्जाम दिया था दोस्तों, बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम दिन के अंदर मैं एग्जाम को क्लियर किया था। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसा एनआईएसएम का जो वेबसाइट है दोस्तों उसके अंदर एक आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उस स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा, अभी आपको मैं सब शेयर करूंगा, अभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उस स्टडी मटेरियल को आपको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब एनआईएसएम इक्विटी डेरिवेटिव के लिए जो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, एक स्टडी बुक है उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों मॉक टेस्ट, मतलब कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये आपको पहले जानकारी होना चाहिए दोस्तों। इस वीडियो के अंदर में दोस्तों मैं ऐसा एक मॉक टेस्ट भी शेयर करूंगा आपके साथ, 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट अगर आप स्टडी करके जाओगी तो एग्जाम हॉल पे जाके आप बोलोगी या सनी भाई आपने सही बोला था, जो मैं पढ़ के आया था उसके अंदर से बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन एग्जाम हॉल में भी मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों स्टडी मटेरियल पढ़ने के साथ साथ दोस्तों मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और एक दोस्तों सीक्रेट मॉक टेस्ट है, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा दोस्तों, कहां से आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, जो पढ़ने के बाद आप ये रियल फीलिंग होगा मैं रियल एग्जाम दे रहा हूं दोस्तों ऐसा फीलिंग भी होगा। उसके बाद ये मॉक टेस्ट क्लियर करिए और एग्जाम हॉल पे जाइए, दिल ठोक के दोस्तों आप एग्जाम दे के आ जाइए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए दोस्तों पहले आप अपना स्टडी मटेरियल जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, स्टडी मटेरियल आपको स्टडी करना है, प्रॉपर रीड करना है, प्रॉपर समझना पड़ेगा। समझने के बाद दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा, मतलब उस बुक से कौन किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, वो आंसर कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा मॉक टेस्ट के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल रीड करने के बाद बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया था दोस्तों, मॉक टेस्ट कहाँ से मेरे को मिला था सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारा मॉक टेस्ट भी आपको दूंगा, मॉक टेस्ट आपको लेने का आपका आइडिया हो जाएगी किस तरह का क्वेश्चन। डेफिनेटली मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको प्रॉपरली स्टडी मटेरियल को रीड करना है दोस्तों, अच्छे से समझाना है, समझना है। उसके बाद दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लेना है, एक के बाद एक मॉक टेस्ट स्टडी करना है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका दोस्तों आपका जो स्टडी मटेरियल, देखिए स्टडी मटेरियल आपके सामने आ चुका है। इस स्टडी मटेरियल का जो पीडीएफ है दोस्तों उसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके इस स्टडी मटेरियल को आप स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों एनआईएस का जो वेबसाइट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, तो जब आप एग्जाम के लिए लॉगिन करोगे तो स्टडी मटेरियल बुक मिलेगा, वहां पर से भी इसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसको सही से रीड करिए, प्रॉपरली रीड करिए। यहाँ पे भी बहुत सारा मॉक टेस्ट है दोस्तों। देखिए जब आप एक पेज कंप्लीट करोगे, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करोगे तो फर्स्ट चैप्टर का कुछ आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, वो भी अच्छे से आप स्टडी करिए, मतलब डीपली स्टडी करिए दोस्तों। 2-4 दिन लग सकता है इस स्टडी मटेरियल को स्टडी करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक के बाद एक मॉक टेस्ट देना है दोस्तों। मॉक टेस्ट मैं आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा दोस्तों, मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों मैं जब एग्जाम क्लियर किया दोस्तों मेरे को आइडिया है किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। इसलिए मैं जहाँ पर से भी दोस्तों मॉक टेस्ट पहले स्टडी किया था वहाँ पर से मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट भी दोस्तों प्रोवाइड करूँगा। चलिए फिर आपके सामने मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, जो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए सबसे पहला जो मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ए पोर्टफोलियो ऑफ 25 लाख हैज ए बीटा ऑफ 1.20, ए कंप्लीट हैज इज ऑब्टेन बाय क्या है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा पहले वाला, बाय सेलिंग निफ्टी फ्यूचर ऑफ आपको 30 लाख दोस्तों। इसके साथ आप इसको इंटू कर दीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कितना होएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, देखिए आपके सामने आंसर कैसे करना है दोस्तों, आपके सामने आ चुका है। देखिए चलिए आपके सामने आंसर कैसे करना, देखिए 25 लाख इंटू 1.20 इजिकल 3 लाख, दोस्तों यहाँ पे आंसर आ चुका है 30 लाख। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एक्चुअली पेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट बट इज ड्यू टू लैक ऑफ लिक्विडिटी, दोस्तों कौन सा होगा ऑल टाइम, इसको माइंड में रखिए, इंपैक्ट कॉस्ट, इसका आंसर होगा इंपैक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट दोस्तों, आप यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, इसका जो रेफरेंस रीजन है उससे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। सेकंड दोस्तों थर्ड जो है क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, थर्ड दोस्तों आप देख लीजिए,
थर्ड है लिक्विड एसेट मेंटेन बाय मिस्टर ए क्लियरिंग मेंबर आर हायर देन दैट मेंटेन बाय मिस्टर बी क्लियरिंग मेंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। दोस्तों इसका आपके सामने आंसर आ चुका है। इंसन नंबर वन, मिस्टर ए कैन बी एंजॉय हायर एक्सपोजर लिविंग इन द फ्यूचर मार्केट देन द मिस्टर बी। दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, क्या बोला है दोस्तों आप पढ़ लीजिए, आपको टोटल आइडिया हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मॉक टेस्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने दोस्तों आ चुके हैं। ए ट्रेडर हैज बॉट 100 शेयर ऑफ एक्स वाई जेड एट प्राइस ऑफ 780 पर शेयर। ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो अप बट वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इफ द प्राइस फेल। He does not want to loss more than इतना, मतलब आप उसको अगर मार्केट गिर भी जाएगा इससे ज्यादा उसको लॉस नहीं लेना है। ऑन दिस लॉन्ग पोजिशन इन एक्स वाई जेड व्हाट शुड बी द ट्रेडर डू, मतलब आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा डेफिनेटली आपको माइंड में रखे। तो इसके लिए दिया आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्लेस ए स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर फॉर 100 शेयर ऑफ एक्स वाई जेड एट द 770 पर शेयर। दोस्तों यहाँ पे आंसर करके दे चुका है, आप एक बार इसका एग्जांपल देख लीजिए कैसे किया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ चुका है मॉक टेस्ट का फिफ्थ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको माइंड में आप रखिए। अच्छा है, ए टेल ऑफ सस्पेंस ऑफ ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ए स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम डेरिवेटिव एक्सचेंज सेगमेंट अंडर द सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन ऑफ 1992 कैन बी टेक द प्लेस ऑफ इट इफ। दोस्तों यहाँ पे किसी भी चीज़, द स्टॉक ब्रोकर फेल टू पे फीस, इसकी सिचुएशन भी हो सकता है। द स्टॉक ब्रोकर वॉलेटाइल द कंडीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ये भी हो सकता है। द स्टॉक ब्रोकर इज सस्पेंड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ये भी हो सकता है। इसलिए आंसर दिया गया इन ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, आपके सामने है क्योंकि आप उसको पढ़ना चाहते हो आपको और डीप आइडिया होगा। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों आपके सामने आ चुका है, तो सिक्स दे लेता है। इफ वन डस ए कैलेंडर स्प्लिट कॉन्ट्रैक्ट इन इंडेक्स फ्यूचर देन इट्स अटैक ऑल टाइम, मैं इससे पहले भी मैं शेयर किया था कैलेंडर स्प्लिट। दोस्तों एक बार माइंड में रखिए, इसको आप माइंड में रखिए, लो मार्जिन ऑफ द सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट लेग ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह का क्वेश्चन बहुत टाइम आ भी सकता है, इसलिए इसको माइंड में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जब एग्जाम देने के लिए गया था दोस्तों, मेरे को पता चला था इसका कितना वैल्यू है दोस्तों। चलिए उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए, एग्जाम मॉक टेस्ट का पोस्ट क्वेश्चन नंबर सेवन दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए ट्रेडर बाय ए कॉल एंड ए पुट ऑप्शन ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस एंड सेम एक्सपायरी, दिस कॉल्ड एज ए लॉन्ग। देखिए बाय और बाय मतलब दोस्तों आपके यहाँ एक टर्म है बाय और सेल, यहाँ पे बाय और सेल मतलब दोस्तों शॉर्ट मतलब सेल और लॉन्ग मतलब बाय। दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी बाय का मेंशन कर चुका है दोस्तों, और सेम एक्सपायरी यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैटल होता है दोस्तों, जो आपके सामने आंसर का डेफिनेशन यहाँ पे देख लीजिए कैसे क्या होता है, आपके सामने आ चुके, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आ चुका है एंड क्वेश्चन नंबर एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेज पोजिशन प्रोटेक्टिव पुट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको माइंड में रखिए दोस्तों, इसको बार बार रिवाइज करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ए मेंबर हैज टू क्लाइंट, क्लाइंट सी वन एंड क्लाइंट सी टू, सी वन हैज परचेज 800 कॉन्ट्रैक्ट एंड सी टू हैज सोल्ड 900 कॉन्ट्रैक्ट इन अगस्त एक्स वाई जेड फ्यूचर सीरीज, व्हाट इज द स्टैंडिंग लायबिलिटी ओपन पोजिशन ऑफ द मेंबर टूवर्ड्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इन ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो ये बात माइंड में रखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या किया गया 800 के साथ 900 का प्लस करके 1700 आंसर दिया गया। दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे टोटल डेफिनेशन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, कैलकुलेशन करके यहाँ पे इसका आंसर है दोस्तों, अभी आंसर कैलकुलेशन कैसे किया दोस्तों अभी देख लीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर टेन, ये बात आप माइंड में रखिए। मिस्टर एक्स परचेज 10 पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक ऑफ एस एट 30 पर कॉल विद द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 280, इफ ऑन एक्सरसाइज डेट स्टॉक प्राइस इज 350 इग्नोरिंग
ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिस्टर एक्स विल चूज, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, यहाँ पे आप देख लीजिए इसका कैलकुलेशन यहाँ पे करके दिया है दोस्तों, आप एक बार पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों, इसका वो हर टाइम पढ़ना पड़ेगा, इसलिए दोस्तों ऐसा वाला एग्जाम आपको सामने में लेके आया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, अभी 11, क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। एन इन्वेस्टर हु इज एंटी पार्टिसिपेटिंग ए बोट स्टॉक मार्केट फॉल बट इज नॉट विलिंग टू सेल हिज एंटायर पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स कैन ऑफसेट हिज पोटेंशियल लॉस बाय द शॉर्टिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर। गुड, आप देख लीजिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए, एक्सप्रेशन देख लीजिए इसका। चलिए उसके बाद आ चुका है क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज द ट्रू। दोस्तों इसका आंसर है सी, अब एक बार देख लीजिए, इट इज अलाउ ब्रोकर टू ट्रेड ऑन एनी एक्सचेंज बट क्लियर एंड सेटलमेंट ट्रेड थ्रॉट द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ एनी अदर एक्सचेंज। दोस्तों इसको आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। चलिए उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है 13। मिस्टर कालिदास हैज ब्रॉट 200 शेयर ऑफ एबीसी इंडस्ट्री लिमिटेड एस 850 पर शेयर, ही एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ गो अप बट वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ही डज नॉट वांट टू लॉस मोर देन ऑन हिज लॉन्ग पोजिशन, व्हाट सी वुड बी स्टॉप लॉस, ही प्लेस ए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल ऑर्डर फॉर 200 शेयर पर रुपीज इतना। दोस्तों यह है आंसर, आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन को देख लीजिए अच्छा से, कैलकुलेशन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, कैलकुलेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। मिस्टर आशुस हैज ब्रॉट 100 शेयर ऑफ एबीसी एट 980 पर शेयर, ही एक्सपेक्ट द प्राइस टू बी गो अप बट वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। दोस्तों सेम आ चुका है, प्रोटेक्ट का बात ही पड़ा दोस्तों, देखिए आपको अच्छे से समझाने के लिए फिर आ चुका है दोस्तों। प्राइस फॉल, ही डज नॉट वांट टू लॉस मोर देन हिज लॉन्ग पोजिशन इन एबीसी, व्हाट शुड मिस्टर आशुस डू। तो यहाँ पे सेम है दोस्तों, प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर 100 शेयर ऑफ एबीसी 970। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कैलकुलेशन करके दिया है 970 क्यों है दोस्तों, देखिए आपके सामने आ चुका है कैलकुलेशन। चलिए दोस्तों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स अलर्ट ऑन हिज क्लाइंट ऑन बोर्डिंग एंड सर्विस एज द एक्सक्लूसिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट। दोस्तों यूनिक क्लाइंट आईडी, यूनिक क्लाइंट कोड जिसको वो फ्रेंड, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अगर आपको ट्रेडिंग करने का प्लानिंग है, स्टॉक मार्केट में कामकाज करने का प्लानिंग है, अगर आपका ड्रीम है शेयर मार्केट में काम करने का, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप फ्री में एक डीमैट अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो बोलते हैं दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करता है तो यूनिक क्लाइंट कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों आपको लॉगिन करने का टाइम पे। चलिए यहाँ पे एक भी और भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ, देखिए ये आपको ऐसा क्वेश्चन कर सकता है, यूनिक क्लाइंट आईडी किसके साथ आता है, तो आपको तब बोलना पड़ेगा पैन कार्ड के साथ, पैन नंबर के साथ ये अटैच है, तो इसलिए अगर आपको यूनिक क्लाइंट कोड अगर बोलेगा किसके साथ अटैच है, तो आपको बोलना पड़ेगा पैन नंबर, पैन नंबर के साथ ही होता है। चलिए उसके बाद दोस्तों ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16, द डिफॉल्टिंग मेंबर एज ए क्लाइंट पोजिशन शुड बी ट्रांसफर टू by the dash by the clearing corporation, so other solving member, ये आपको माइंड में रखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको माइंड में रखना है दोस्तों, तब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए बार बार इसको स्टडी करिए। चलिए दोस्तों उसके बाद आपके सामने आ चुका है 17, क्वेश्चन नंबर 17, current price of एक्स वाई जेड स्टॉक इज 286 और 260 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन एंड व्हाट इज द इंस्टेंट वैल्यू, मैं आपको पहले बोला था इंस्टेंट वैल्यू निकालना है, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपके सामने आ चुका है आंसर 26। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी नीचे दिया गया, आप एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन भी आपके सामने आ चुका है, माइनस किया आंसर आ चुका है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, द यहाँ पे दोस्तों क्या बोल रहा है, द मार्जिन सिस्टम फॉर द इंडेक्स फ्यूचर इज बेस्ड ऑन ऑल टाइम, आप माइंड में रखिए, मार्जिन सिस्टम इंडेक्स फ्यूचर बेस्ड ऑन वैल्यू एट रिस्क,
इसको आप एक बार देखिए, यहाँ पे एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर एल सी गुप्ता कमेटी का है दोस्तों, ये बात आप एक बार पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी सकता है दोस्तों, इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिमिलरली नहीं भी आएगा दोस्तों, घुमा फिरा के दे सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू हैव बॉट ए कॉल ऑप्शन ऑफ एक्स वाई जेड स्टॉक ऑफ स्ट्राइक प्राइस 400 एट द प्रीमियम ऑफ द 30, द करंट स्पॉट मार्केट प्राइस इज 410, एट व्हाट मार्केट प्राइस विल बी दिस कॉल ब्रेक इवन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात माइंड में रखिए, ब्रेक इवन क्या होता है दोस्तों, आपको आइडिया हो जाएगा। 30 प्लस 400 प्लस है, इसके साथ इसको प्लस किया गया, तो ये आंसर है दोस्तों सी। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा नहीं लूंगा टाइम क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट मॉक टेस्ट नंबर 2 में दोस्तों मैं फिर से आपके सामने दोस्तों 30 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, सी व्हेन एस्टैब्लिशिंग ए रिलेशनशिप विद द न्यू क्लाइंट द ट्रेडिंग मेंबर टेकन द स्टेप ऑन द एसेट ऑफ द बैकग्राउंड जनरली बेनिफिशियली आइडेंटिफाई फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द सर्च ऑफ पर्सनल हिज इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव। तो इसका आंसर है 2। ये था मॉक टेस्ट नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको आपके लिए ले आने वाला मॉक टेस्ट नंबर 2 के अंदर दोस्तों 20 दमदार क्वेश्चन आंसर, जहां पर से दोस्तों आपको बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आ भी सकता है दोस्तों।